हेलो गाइस, अगर तुम्हारा जो चाओ एम कलो लम्बा घन हेयर तो हमारे वीडियो लास्ट पर्त अवश्य देखे। चूलर मध्य की लगाई लगाले चूलटा लम्बा कलो घन तई टीप्स हमें एन बोल बो। तो तीनटे जो देखो आमला शिकागाई रिठा जा पैकेटे पावा जाए पाउडार एमनीते ही रिठा आमला शिकाकाई गोटाओ पावा जाए। गोटा जदि नोवा जाए ताहले रात्रे भिजिए रखते हबे जल दिए। सकाले ओई जल दिए माथाय शैम्पुर मतो करे लागाते हबे। शैम्पुर लागाले हबे ना, बस ये जलटा लागालेई हबे। पूरा क्लीन एंड क्लियर परिष्कार हो जाए चूल और एकदम क्लीन हो जाए। और एमनी जदि पाउडार नोवा जाए जेमन आमी पाउडार नियेछि, ए पाउडारेते दो चामच करे निये नेब। तुमी जदि मने करो तुम्हार बेशी लागबे ताहले एर थेके बेशीओ निते पारो। तीनटे समान समान परिमाणे निये नेबे। निये एर मध्ये उष्ण उष्ण गरम जल ढेले दीते हबे और एई रकम गाढ़ो गाढ़ो करे माखते हबे। तारपरे एटाके ढेके रखते हबे 2-3 घंटा। एर थेके बेशी जल नय, बस एई रकम गाढ़ो गाढ़ो हबे। एते एलोवेरा मिक्स करे निले आरो भालो हय। तो बंधुरा एमनीते ही चूले शैम्पू देवा हय किन्तु एइटा दिले शैम्पू लागे ना, एटाते ही चूल शैम्पू हो जाए और चूल मजबूत हय। कालो लम्बा घने और मजबूत लंग स्मूथ हेयर एकदम सिल्की सिल्की हो जाए। और एइभावे लागिए नीते हबे, ये हेयर ग्रोथ खूब ही भालो है, ताड़ाताड़ी बेड़े जाए। सप्ताह ते 2-3 दिन अवश्य लगाते हबे। तो ये चूले और स्किने दुटोते ही यूज करते हबे। तो गाइस आमी ये भावे पूरा चूलटाते लागिए निलाम। और जस्ट 15 से 20 मिनट 20 मिनट रखते हबे। बेशी रखार दरकार नहीं। तारपरे एटा एकदम प्लेन जल दिए वाश करे निते हबे। शैम्पू देवार कोनो दरकार नहीं। देखो गाइस कतो सुंदर, एकदम सिल्की हुए गेछे। कतो सुंदर चिरनी दिए छाना जाच्छे। एइभावे करले एकदम सिल्की शाइनी हो जाए और कालो लम्बा घन चूल हो जाए। एटा आमी यूज करी, आमार मेके हप्ताते 3 दिन लागाई।
तो गाइस तुमराव इटा यूज करते पारो, बहुत खूबी भालो। इटा लगाले चूले कंडीशनारेर काज करे, एमनीते ही आमलाते कत सुंदर चूल हो जाए, खूबी घन कालो चूल हो जाए। डिठा शिखा गाई चूल परिष्कार करे, डैंड्रफ करे ना, खूबी भालो ये सब लागानो। तो यही भावे आमार मे चूले ट्रिटमेंट करी और आमार चूलेओ ट्रिटमेंट करी। जदि तुम्हारे वीडियो भालो लेगे थाके ताहले लाइक करबे और तुम्हराओ आमार ए रेमेडियंस यूज करते पारो। आजकल केमिकल वाला तेल शैम्पू ये सब ना यूज कराई भालो, नैचरल जो चीज नैचरल एत सुंदर रेमेडियंस ये सब यूज करा दरकार। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।